ओम शांति। बीके चैनल पर मुरली सुनने वाले आप सभी भाई बहनों को हमारी पूरी टीम की ओर से सने भरा याद प्यार। आज कमेंट सेक्शन में हमें बहुत सारे भाई बहनों के कमेंट्स प्राप्त हुए। ज़्यादातर सभी ने बहुत अच्छे अच्छे विचार और मूल्य की पॉइंट्स भेजी हैं। साथ ही कुछ भाई बहनों ने तो प्रश्न भी पूछे हैं। वह अपने प्रश्नों का जवाब हमारी दूसरी वीडियो में सुने, जिसका लिंक रोज कमेंट बॉक्स में दिया जाता है। अगर वहाँ आपको अपना जवाब नहीं मिलता है तो फिर आप अपने प्रश्न को हमारे व्हाट्सएप नंबर नोट करें 9729069351 इस नंबर पर दोबारा भेज दें। तो चलिए अभी सुनते हैं आप सभी के कमेंट्स। ऐसा करते हैं, पहले वो मैसेज पढ़ते हैं जो कुछ विशेष हैं। वैसे तो हमारे लिए आप सभी के कमेंट्स महत्व रखते हैं, लेकिन सुनने वालों के इंटरेस्ट का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए पहला मैसेज पढ़ते हैं। ये सतनाम जी का जालंधर से मैसेज आया है, लिखते हैं, ओम शांति, कृपया बताएं कि मन को शांत कैसे करें। सतनाम भाई, आप ये तो मानते होंगे कि हम सब शिव बाबा के बच्चे हैं और हमारा शिव बाबा शांति का सागर है, तो आप उस शांति के सागर में सुबह शाम डुबकी लगाते रहो, तो देखना उस शांति के सागर में डुबकी लगाने से आप एक दिन शांत हो जाएंगे। डुबकी लगाना मतलब जब भी मौका मिले बाबा को याद करते रहो। अगला मैसेज आया है बसवराज जी का, लिखते हैं, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। फिर अगला मैसेज है जनक जी का, लिखते हैं, ओम शांति मेरे बाबा, मुरली से मुझे पूरे दिन में क्या करना है बाबा मुझे वो सिखाते हैं। जनक भाई, बिल्कुल ठीक कहा। जो भाई बहने रोज़ मुरली सुनते हैं तो उनको होमवर्क मिल जाता है बाबा से, मुरली के द्वारा उनका पूरा दिन सेट होता है। अगला मैसेज आया है ओली रजा जी का, लिखते हैं, ओम शांति, आई लिसन टू मुरली एवरी डे, इट इज़ बिकम डायरेक्शन फॉर मी फॉर एवरी डे। इनका एक और मैसेज आया है, आई हैव हैबिट टू रिपीट थिंक बट टूडे मुरली चेंज माई माइंड, टाइम इज इम्पॉर्टेंट, आई विल कीप इन माई माइंड थिंक राइट। दीदी, योर वॉइस इज मैजिकल। ओली जी, आप ये मैजिकल वॉइस में रोज़ मुरली सुनते रहिए और एक दिन देखना कि आप में बहुत एक मैजिकल चेंज आएगा। यह मैसेज आया अमिता बहन का दिल्ली से, लिखते हैं, ओम शांति, मेरा नाम अमिता है दिल्ली से, मुझे दीदी से मुरली सुनकर बहुत अच्छा लगता है और होमवर्क से मुझे बहुत उत्साह बढ़ता है, जो हमें क्लास में समझ नहीं आता वो होमवर्क से भाई खूब बढ़िया समझाते हैं। थैंक यू बाबा, आपका भी शुक्रिया बहन जी, जो आपने अप्रिशिएट किया, हमारा भी उत्साह बढ़ा। करण सिंह जी ओम शांति लिखते हैं, फिर सरस्वती जी भी लिखते हैं, ओम शांति, आई एम सरस्वती फ्रॉम उड़ीसा, थैंक्स फॉर मुरली। फिर दिया जी हैं, ओम शांति लिखते हैं। बीरबल भाई लिखते हैं, मैंने जब से मुरली सुनना शुरू किया है तो नियमित सुनता हूँ। मुरली के मुख्य मुख्य बिंदु मुरली शुरू करने से पूर्व प्रदर्शित किए जाते हैं, जो एक बहुत ही सुंदर प्रभावशाली तरीका है। बीरबल भाई जी, तरीका तो आपका भी बहुत प्रभावशाली लगा। आपके शब्दों को देखकर ऐसा लगता है या तो आप हिंदी के प्रोफेसर हैं या कोई पत्रकार हैं। आपका मैसेज तो पूरा पढ़ना पड़ेगा। बिरबल भाई लिखते हैं कि बहन जी का मुरली पढ़कर सुनाने में योग युक्त स्थिति व आत्मविश्वास की झलक महसूस होती है तथा मुरली का समय भी संतुलित है, न अधिक अनावश्यक मुरली को खींचा जाता है तथा न कोई बिंदु अस्पष्ट छोड़ा जाता है। मुरली सुनने में बहुत बहुत आनंद आता है। प्यारी स्नेही बहना और बाबा का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया और सादर आभार। एक बात दिमाग में अवश्य आई है कि मुरली के बैकग्राउंड स्क्रीन पर कुछ प्राकृतिक दृश्य बार बार आते हैं, जो कभी कभी मुरली सुनते वक्त कभी कभी ध्यान आकृष्ट करते हैं। मैं समझता हूं कि बाबा की मुरली के वक्त सिर्फ बाबा की मुरली पर ही ध्यान केंद्रित रहे तो श्रेष्ठ रहता है। हालांकि दृश्य न्याना भी राम प्राकृतिक हैं, परंतु सतत आते रहने से सुनने में व्यवधान लगता है। ये मेरी अपनी निजी राय है, इसे आप अरुचिकर समझ अन्यथा न लें। मेरी आप सभी भाई बहनों को इस चैनल की सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं स्वीकार हो। बीरबल भाई जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा मैसेज लगा आपका, रोज़ भेजते रहिए मैसेज। प्रांजलि लिखते हैं, ओम शांति, गुड मॉर्निंग बाबा, आप तो मेरे सब कुछ हो, थैंक यू वेरी मच। अनुष्का जी लिखते हैं, ओम शांति। मीनाती नायक, ओम शांति, मेरे संकल्प में दृढ़ता नहीं रहती जिसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाती, हार जाती हूँ, कोई उपाय बताइए। बहन जी, ज़रूर बताएंगे उपाय, लेकिन बताएंगे भ्राता भारत भूषण जी, आप कल या परसों क्वेश्चन आंसर की जो वीडियो बनती है उसको ज़रूर देखें। रीना जी लिखते हैं, ओम शांति बाबा, बहुत सुंदर मुरली सुनाते हैं दीदी, सुनकर मन खुश हो जाता है, मन करता है सुनती जाऊं।
रीना बहन सुनते रहो, किसने मना किया है, और औरों को भी सुनाओ। प्रियंका कटियार जी लिखते हैं ओम शांति। राज दुलारी मलिक लिखते हैं गुड मॉर्निंग शिव बाबा, मुरली सुने से मन खुश रहता है, अच्छी बात है। बी के रवि भाई, इन्होंने अपना प्रश्न लिखा है, इसका जवाब भी हम कल या परसों की वीडियो में देंगे। सारिका बहन लिखते हैं ओम शांति, गुड मॉर्निंग बाबा, घर के लोग ज्ञान को नहीं मानते, तो क्या मैं घर रहकर बाबा के ज्ञान में रह सकती हूँ? सारिका बहन, आप घर में ही रहो, लेकिन आप ज्ञान को भी अपने अंदर जरूर रखो, बाबा को भी याद रखो, धारणाओं में भी पक्के रहो, तो आपकी सीट भी पक्की हो जाएगी। और देखना, अगर आपका पुरुषार्थ सही रहा तो एक दिन ये सारा परिवार आपके साथ आपका सहयोग देगा और सेंटर तक जरूर जाएगा, बस हिम्मत नहीं हारनी। जोगिंद्रा प्रधान जी ओम शांति लिखते हैं। विद्या बहन लिखते हैं, मुरली खूब सुंदर लग रही है सुनने में, थैंक यू बाबा। शुक्रिया बहन जी आपका। अगला मैसेज है रमेश जी का, इन्होंने मुरली पॉइंट्स लिखी है। अपनी संभाल करनी है, दृष्टि सिविलाइज्ड हुई भाई जी, लौकिक में रहते 100% सिविलाइज्ड करना बहुत कठिन होता है, फिर भी बाबा साथ है तो फिर से अपनी सीट सेट हो जाते हैं, तो लौकिक में पूरा सिविलाइज्ड कैसे बने? भाई जी देखो, बाबा ने कितनी बार कहा है घर गृहस्थ में रहते पवित्र जरूर बनना है, तो सिविलाइज तो बनना ही है। पर बाबा ने आज ये भी मुरली में कहा कि अभी ड्रामा अनुसार सिविलाइज नहीं बन सकते, समय लगेगा, तो आप बस पुरुषार्थ करते रहिए, एक दिन आपको जीत हासिल होगी ही होगी। अगला मैसेज आया नीलम वर्मा जी का, ओम शांति लिखते हैं बाबा। अगला है जगन्नाथ प्रधान जी का, लिखते हैं ओम शांति, मैंने ज्ञान पहली बार सुना, अच्छा लगा। अशरीरीपन का कैसे अनुभव करें और विकारों पर जीत कैसे पाएं? भाई जी आपका ये प्रश्न हमने नोट कर लिया है, कल की वीडियो में आप देखें। अगला मैसेज आया है अमित पासवाल जी का, ओम शांति प्यारे बाबा, मीठे बाबा, आपकी बहुत अच्छी मुरली है, मीठी मुरली है, आप कितने अच्छे हो। बिल्कुल सही कहा भाई जी, बाबा भी अच्छे, उनकी मुरली भी बहुत प्यारी। ममता जी ने ओम शांति लिखी है। अरुणा चिल्लई, बहन जी कभी कभी मुरली में कोई वर्ड मालूम नहीं होता, तो क्या आप उस वर्ड का मीनिंग भी बताएंगे? आपका वॉइस बहुत अच्छा है, थैंक यू दीदी, शुक्रिया। बहन जी, आप अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई शब्द समझ नहीं आता, तो आप यहीं कमेंट बॉक्स में लिखें, तो हम आपको ज़रूर उसका अर्थ बताएंगे। इनका दोबारा मैसेज आया है, बाबा आपका याद हर पल रहे ताकि हमसे कोई गलती ना हो, शुक्रिया बाबा। बिल्कुल सही कहा बहन जी। निकेश जी ने लिखा है ओम शांति, गुड मॉर्निंग बाबा, आपकी मुरली से सवाल का जवाब मिल जाता है। सही कहा निकेश भाई आपने, बाबा की मुरली सुनने से हर समस्या का हल मिलता है, तो मुरली रोज़ सुनते रहिए। पायल सूर्या जी लिखते हैं, बाबा कहते हैं कि ये शरीर छोड़ बाप के घर जाना है सब कुछ भूल कर। हाँ जी बिल्कुल जाना है, इसलिए पहले ही भूलने का अभ्यास करना शुरू कर दें। ललिता अग्रवाल ने लिखा ओम शांति, पायल सूर्या का फिर से ओम शांति। अनीता शर्मा, ओम शांति दीदी, बहुत अच्छी मुरली सुनाते हैं और सही टाइम में सुनाते हैं, जिनके पास समय कम होता है वो भी आराम से सुन लेते हैं, ओम शांति, लव यू बाबा। हाँ अनीता बहन, हम इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं कि मुरली का समय बिल्कुल उचित तो रहता है, ना कम ना ज़्यादा। आगे मैसेज आया है निक परमार जी का, गुड मॉर्निंग लिखा है। नेक्स्ट है ओम शांति दीदी, मेरा नाम शांतो कुमार है, मैं बीके मुरली पानीपत प्रतिदिन सुनता हूँ, मेरे अंदर धारणा नहीं हो पाती है, मैं अपना स्वभाव संस्कार नहीं बदल पाता हूँ, मैं चाहता तो हूँ लेकिन फिर वही पुराना संस्कार। राजा कुमार भाई जी, 63 जन्मों का पुराने संस्कार हैं, ये एकदम नहीं छूटेंगे, बस पुरुषार्थ करते रहिए, जल्दी आपको सफलता मिल जाएगी। पवन सिंह जी लिखते हैं ओम शांति बाबा, थैंक यू दीदी, आपका भी शुक्रिया। लखन दुलानी जी लिखते हैं ओम शांति, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि बीके लोगों को पिंडी पर जल चढ़ाना चाहिए या नहीं? लखन भाई जी आपका प्रश्न हमने नोट कर लिया है। आकाश जी ने ओम शांति भेजी है, उसके बाद लखन जी ने लिखा है ओम शांति दीदी, आपकी आवाज़ बहुत मीठी बहुत प्यारी है, जब से मैंने आपकी आवाज़ सुनी है मुरली सुनने का उत्साह बहुत बढ़ गया है, थैंक्स दीदी। बस उत्साह को कभी कम ना करना लखन भाई जी, बस मुरली रोज़ सुनते रहना। रामकृष्णा नायक जी लिखते हैं ओम शांति, गुड मॉर्निंग बाबा, लव यू बाबा, सच में जिन्हें सेंटर जाने नहीं मिलता उनके लिए बहुत अच्छी बात है, घर पर ही सेंटर जैसा फील होता है। रामकृष्णा जी बात आपकी ठीक है, लेकिन सेंटर पर जाना प्लीज़ कभी कम मत करना, वहाँ ज़रूर जाना।
सुनीता यादव जी लिखता हूँ, शांति मीठे बाबा, स्वमान याद नहीं रहता, क्या करें क्या करें। आप अलार्म लगा लें मोबाइल में, वो आपको याद दिला देगा। डेलसी जी लिखते हैं, ओम शांति स्वीट बाबा। माला राजेश जी लिखते हैं, ओम शांति प्यारे बाबा। मैं ये पूछना चाहती थी कि कमेंट में क्या हम अपने कोई सवाल भी पूछ सकते हैं जो हमें बार बार डिस्टर्ब करता हो। हाँ माला बहन, क्यों नहीं, आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखें। आपका प्रश्न का जवाब अगले दिन हमारे भ्राता जी जरूर देंगे। संजीव जोशी जी लिखते हैं, ओम शांति मीठे मीठे बाबा। आयुष जी लिखते हैं, ओम शांति। मिलन अजानी लिखते हैं, ओम शांति, थैंक्स बाबा एंड बीके कुमार एंड दीदी, आप जो रोज़ की मुरली हमारे तक भेजते हो और हम सुन सकते हैं, रोज़ हम सेंटर नहीं जा सकते, दिल से थैंक्स, ओम शांति। मिलन जी, सेंटर पर जरूर जाना है, समय निकाल कर जाना है, चाहे सप्ताह में एक बार जाओ। हाँ, ये मुरली भी रोज़ सुननी है। राकेश भाई जी लिखते हैं, ओम शांति, यदि मुरली बोलने के साथ लिखे जिससे जो सुन नहीं सकते वो पढ़कर मुरली समझ सकें। राकेश भाई जी, बहुत सारे भाई बहनों की ये डिमांड रही और सबकी इच्छा को ध्यान में रखते हुए हमने आज से ये शुरुआत कर दी है टेक्स्ट मुरली की। अभी आप मुरली सुन भी सकते हैं और स्क्रीन पर पढ़ भी सकते हैं, अब खुश हो जाइए। बी के राजेंद्र जी लिखते हैं, ओम शांति। दिव्यांश साहू ओम शांति लिखते हैं। अरविंद कुमार जी ओम शांति लिखते हैं। सतीश कुमार जी ओम शांति लिखते हैं। दिव्या दुबे जी लिखते हैं, मैं जब से शिव बाबा की बनी हूँ जब से हर काम सफल हो ही पड़े हैं। बी के आशा बहन है ये, ओम शांति लिखा है इन्होंने। बहन जी बिल्कुल बाबा के बने रहिए, आपके काम भी बनते ही रहेंगे। प्रियंका जी ने ओम शांति भेजा है। सपना बहन जी ने गुड मॉर्निंग बोला है। अजय श्रीवास्तव ने सुप्रभात बाबा लिखा है। महावीर जैन ने ओम शांति भेजी है। अजय श्रीवास्तव ने ओम शांति भेजी है। तरसेम चंद ने लिखा है, मीठी मीठी आत्मा प्लीज़ लेट मी नो अबाउट द रियलिटी ऑफ आज का पुरुषार्थ। ये आपका प्रश्न हम जरूर नोट करके रखेंगे और कल या परसों की वीडियो में जरूर आएगा। आगे माटी बहन जी लिखते हैं, थैंक यू सो मच बाबा, मुरली से मुझे रोज हल्केपन का अनुभव हो जाता है। सुषमा कुमारी जी लिखते हैं, प्यारे बाबा मीठे बाबा ओम शांति। ये स्टार मेकर लिखते हैं, हमारे संकल्प में दृढ़ता कैसे आएगी। संकल्प में दृढ़ता के लिए आप बाबा की याद में भोजन बनाएं, बाबा की याद में भोजन खाएं, और दिन में आप ज़्यादा समय जहां बिताते हैं वहीं सामने अपने संकल्प को लिख के रखें, उसको देखते रहेंगे तो आपका संकल्प पक्का होता जाएगा। पंकज गोयल जी लिखते हैं, मॉर्निंग में अमृत वेला मैं नहीं उठ पाती हूँ, मेरे हस्बैंड नाइट में देर से घर आते हैं, सोने में लेट हो जाते हैं, क्या मुझे मुरली से फ़ायदा होगा। बहन जी देखो, मुरली से तो फ़ायदा होगा ही होगा, बाकी योग का भी आप पूरा ध्यान रखो, आप दिन में रेस्ट करो लेकिन सुबह जरूर उठना अमृत वेले 4 बजे। तो हिमांशु भाई जी लिखते हैं, टेंशन फ्री कैसे रहें, मन में कोई बात हो जो मन को परेशान करे तो क्या करें। भाई जी टेंशन सब बाबा को दे दो, बाबा को बोलो बाबा मैं आपका, टेंशन आपकी, ठीक है। पूजा वर्मा जी लिखते हैं, गुड मॉर्निंग दीदी, हम पूरा पूरा पुरुषार्थ करेंगे। जी पूजा बहन जरूर करो, ओम शांति मेरे बाबा। ये हिमांशु भाई ने दोबारा लिखा है। अन्नपूर्णा सेट्टी जी लिखते हैं, ओम शांति मेरे बाबा मीठे बाबा। राजेश सिंह जी लिखते हैं, ओम शांति बाप दादा, मैं नंदिनी सिंह, आपसे ही मेरी सांसें चलती हैं। जी बहन जी, ये गणपति जी का मैसेज लिखा है, ये मत को खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। गणपति जी बिल्कुल ठीक है, कह देंगे मुश्किलों को कि हमारा बाबा बड़ा है, और है भी बड़ा बाबा। रक्षा बहन लिखते हैं, ओम शांति बाबा, भक्ति पहले भक्त करते थे अब बस बाबा से जुड़ गए, कभी कभी मन में शंका होता है कि पूजा करना चाहिए दर्शन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखो बहन जी, बाबा कभी मना नहीं करते कि भक्ति मत करो, पूजा पाठ छोड़ दो, एक नहीं, जो मन करता वो करो, लेकिन मुरली रोज़ सुनो, बाबा को याद करो, धारणाओं में पूरा रहो। और फिर एक बात आपको बता देता हूँ कि शिव बाबा भगवान है, ये तो आप मानते हो ना, और कहते हैं कि हाथी के पैर में सबका पैर है, तो जब बाबा को याद कर लिया उसमें सब आ गए। प्रेमा गोस्वामी जी लिखते हैं, ओम शांति शिव बाबा, ओम शांति दीदी, थैंक्स
आपका शुक्रिया। यशपालपुरी लिखते हैं, बाबा ने कहा दुखों की लिस्ट बनाओ तभी समझानी आएगी। हाँ यशपाल भाई, आज मुरली में बाबा ने होमवर्क दिया था, तो आपने लिस्ट बनाई कि नहीं? हरिओम वर्मा जी लिखते हैं, ओम शांति भाई। सिस्टर मेरा नाम रतरानी है, बाबा मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, मेरे हस्बैंड डेली ड्रिंक करके आते हैं, और इन्होंने आगे भी बहुत कुछ लिखा है। देखो बहन जी, रतरानी बहन, इतने दिन आपने निकाल दिया ना पति के साथ, अब बस संगम युग छोटा सा और है, थोड़ा समय बाकी है, ये भी बाबा की याद में निकाल लो। जितना पुरुषार्थ करोगे, खूब योग करो, आप देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। कन्हैया जी लिखते हैं, ओम शांति बाबा। रत्ना जी लिखते हैं, गुड मॉर्निंग बाबा, ओम शांति, आपको पाकर मुझे बहुत शांति मिली। अगला मैसेज आया है, लिखते हैं, ओम शांति, मैं मुरली तो रोज़ सुनती हूँ पर याद नहीं रहती, और एक बात बताना चाहती हूँ कि राजयोग नहीं सीखा मैं, कभी सेंटर पे नहीं गई। बहन जी आप ज़रूर जाओ सेंटर पर, नज़दीक कोई होगा, आप एड्रेस देखो गूगल पर, और मुरली ज़रूर सुनो, रोज़ सुनो, आपको राजयोग भी आ जाएगा और सब कुछ सही हो जाएगा। आगे कोमल भाई लिखते हैं, ओम शांति स्वीट बाबा, चैनल पानीपत से मुरली सुनकर मुझ आत्मा का मुरली सुन की रुचि और बढ़ गई है, और मुरली के पॉइंट्स लिखने शुरू किए हैं, थैंक यू। बिल्कुल सही किया आपने, मुरली पॉइंट्स जरूर लिखो, एक डायरी बनाओ अलग से। ये पीसफुल सोल ओम शांति भेजी है। स्नेहल वगैरह जी लिखते हैं, ओम शांति, बी के चैनल पानीपत बनाने वाले सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुक्रिया, जो इतना मेहनत से हम सभी ब्राह्मणों के लिए जो मुरली चैनल बनाया है, मुरली पूरी बुद्धि में छप जाती है, शुक्रिया जी आपका। जय किशोर जी लिखते हैं, ओम शांति, प्रवीण भाई भी ओम शांति, बाबा शुक्रिया बाबा लिखते हैं। पल्लवी जी लिखते हैं, ओम शांति, प्यारी दीदी आपकी आवाज़ स्वीट है, ओम शांति। विजय बहिरा जी लिखते हैं, ओम शांति, गुड मॉर्निंग, आई एम पीसफुल सोल, आई एम पावरफुल सोल। विमला देवी जी लिखते हैं, विमला बहन लिखते हैं, बाप दादा जी ओम शांति, दीदी जी, दीदी मैंने रोजाना आश्रम नहीं जा पाती, घर से दूर है, लेकिन आपके मुख से बड़ा ही मुरली सुन कर लगता है जैसे घर पर नहीं सेंटर पर मुरली सुन रहे हैं। विमला बहन ठीक है, लगता तो ठीक है, पर सेंटर पर जरूर जाना है बीच बीच में। पूजा सैनी, ओम शांति बाबा, कल स्टडी से रिलेटेड एक डाउट था, समझ नहीं आ रहा था क्या करना है, इवनिंग तक मन भी थोड़ा उदास हो गया था, आज आपने मुरली में उसका क्लियर आंसर दे दिया, थैंक यू बाबा। ये सुमिता जी लिखते हैं, मुरली अब मेरा जीवन बनी है और बाबा के जैसा बनना मेरा जीवन उद्देश्य है। जी बहन जी जरूर ऐसा बनना ही है। शीला यादव ओम शांति लिखते हैं, नरसिंह जी लिखते हैं, ओम शांति बाबा, ओम शांति मीठा बाबा। धर्मवीर जी लिखते हैं, ओम शांति। किशन जी लिखते हैं, बीज रूप अवस्था कैसे बने? भाई जी आपका प्रश्न नोट कर लिया है, कल की वीडियो में देखना। ओम प्रकाश जी लिखते हैं, आई लव यू बाबा। सुमित जी लिखते हैं, ओम शांति मेरे प्यारे बाबा। फिर सुमित गुप्ता जी लिखते हैं, ओम शांति मेरे प्यारे बाबा, मुझे मुरली बहुत अच्छी लगती है। भाई जी लगनी चाहिए। ओम प्रकाश जी लिखते हैं, ओम शांति दीदी। हरप्रीत कौर लिखते हैं, मैं शिव बाबा का रियल और रॉयल हरप्रीत आत्मा संगम युग के हम सब हीरो बच्चे, ये शायद मुरली की पॉइंट लिखी है हरप्रीत बहन ने। ओम प्रकाश लिखते हैं, गुड मॉर्निंग। शिल्पा बहन लिखते हैं, ओम शांति, आप मुरली टेक्स्ट के साथ भेजते हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है, आपकी मुरली हमें व्यस्त जीवन में रिवाइज करने में हेल्पफुल बनती है। बहन जी शिल्पा बहन, आपको खुशी होगी कि आज से हमने ये शुरू कर दिया है, अब आप मुरली को स्क्रीन पर पढ़ भी सकते हैं रोज। उषा नायक जी लिखते हैं, ओम शांति, गुड मॉर्निंग मेरा बाबा, मीठा बाबा। विनीता जी लिखते हैं, मेरा बाबा, प्यारा बाबा। राजेंद्र जी लिखते हैं, बाबा ने कहा 5 मिनट 5 साल के बराबर हैं, बिल्कुल सही कहा आपने, बाबा ने आज यही बोला। दिगंबर जी लिखते हैं, ओम शांति बाबा। सरोज बहन ओम शांति लिखते हैं। मंजू राजपूत जी, ओम शांति दीदी जी, आप मुरली के आवाज़ बहुत अच्छी है। मानसी पटेल लिखते हैं, ओम शांति मीठे बाबा। राजेंद्र पकीरा जी लिखते हैं, थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी, थैंक यू। इस तरह से मुरली सुनना और सवालों का हल मिलना बहुत अच्छा प्रयास है, शुक्रिया भाई जी। और नागिन भाई टेलर लिखते हैं, मीठा बाबा ओम शांति, आई एवरीडे मॉर्निंग लिसन मुरली थ्रू योर चैनल, इट इज़ मच इंस्पायरिंग, काइंडली गिव टेक्स्ट व्हाइल यू रीड मुरली, थैंक्स।
आपकी शिकायत भी पूरी हो गई है। ममता जोशी जी ओम शांति लिखते हैं, लाइट एंड माइट, ये मोरली पॉइंट लिखी है, ओम शांति। बेहद बाप कहते हैं, देवीमान में कुछ ना कुछ पाप जरूर होते हैं, आत्माभिमान बनने के पुरुषार्थ में पुण्य तो जरूर होगा। और ममता निर्वाल जी लिखते हैं, ओम शांति जी, मैं कभी पुरुषार्थ में आगे और कभी बिल्कुल पीछे हो जाती और कभी बिल्कुल छोड़ ही देते हैं, तो क्या करूं? ममता बहन, छोड़ना तो है ही नहीं, लगे रहो, लास्ट में जीत हमारी ही होगी क्योंकि हमारे साथ सर्वशक्तिमान बाबा हैं। वर्षा बहन लिखते हैं, ओम शांति। साक्षी बहन लिखते हैं, संगम युग की महत्व को जान, हर पल अटेंशन देना है। जी बहन जी, जरूर देते रहो। सिंह राणा सिंह, ओम शांति बाबा, आपकी मुरली हमें बहुत अच्छी लगी। सचिन मोदी, ओम शांति भाई जी, मुझे मुरली से बहुत प्यार है, बाबा से भी। हाँ जी, रखना, ओम शांति बाबा। ये हरी शंकम बोझ ऋषु जी लिखते हैं, फिर राजधानी जी लिखते हैं, ओम शांति मेरे मीठे बाबा, मेरा युगल कैसे ज्ञान में आएगा, प्लीज़ कुछ उपाय बताएं। बहन जी, उसको आप ही ला सकते हो, बाबा नहीं ला सकता। आप खूब योग करो, खूब पुरुषार्थ करो, अपने आप में इतना परिवर्तन करो कि वो आपको देवी समझने लगे, फिर आप जो कहोगे वो आपकी बातें मानेगा और सेंटर तक जरूर आएगा। निरंजन साहू जी लिखते हैं, संसार में इतने लोग हैं, सबको कुछ ना कुछ दुख है, क्या सब ने कुछ ना कुछ ऐसा पाप किया होगा? क्या और कोई लोग पढ़ाई में बहुत होशियार होते हैं फिर भी उनको? भाई जी देखो, सब ने किए हैं, 63 जन्म पाप ही पाप किए हैं। शिवार स्टोर लिखते हैं, गुड मॉर्निंग मेरे परमपिता परमात्मा शिव बाबा, भोले बाबा, आप तो मीठे हैं ही, इस संगम युग पर दुनिया के सभी बच्चों को मीठा बना रहे हैं बाबा, ओम शांति। ये मैसेज सीक्रेट ड्राइंग अकेडमी की ओर से आया है, लिखते हैं, प्लीज़ आप रिलेवेंट कमेंट ही पढ़ें, वीडियो लंबी हो गई है बहुत। भाई जी, आपकी बात को हमने पहले ही ध्यान में रखा और आज हमने ये कमेंट वाली वीडियो अलग से ही बना दी है और मुरली वही सेम साइज रहेगा। शुभम यादव लिखते हैं, ओम शांति मीठे बाबा। ये बेंदेश्वर जी लिखते हैं, ओम शांति। पुष्पा सागर, ओम शांति मीठा बाबा। नायन जोड़, ओम शांति शिव बाबा। काकाली विश्वास लिखते हैं, गुड मॉर्निंग मीठे बाबा, थैंक यू बाबा मुझे इतना प्यार करने के लिए, आप मुझे हर तरीके से पुरुषार्थ करने के हेल्प किया है। अगला मैसेज है रमेश चंद्रा सेठी सेठी जी का, ओम शांति लिखते हैं ये भी। अगला मैसेज है हिमांशु जी, लिखा हुआ है, ओम शांति दीदी, मैं इस ज्ञान में एकदम नई हूँ, सिर्फ 2 मंथ हो रहे हैं, मैं रोज मुरली सुनती हूँ दीदी, कभी कभी योग नहीं लगता है, मेरे मन की स्थिति नहीं रहती है। बहन जी सब ठीक हो जाएगा, बस लगे रहो, रुकना नहीं, झुकना नहीं, माया क्या कहे, ठीक है ना। मोहित पांडे जी लिखते हैं, मेरी मुरली का जवाब मिल गया है, ओम शांति भाई जी, शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। संतोष सोलंकी, ओम शांति लिखते हैं। मोहित पांडे जी, ओम शांति लिखते हैं। सीक्रेट ड्राइंग अकेडमी, दीदी मुरली पढ़ने से बुद्धि क्लीन होती है? हाँ बिल्कुल होती है, आपकी भी हुई है कि नहीं? लक्ष्मी भंडारी जी लिखते हैं, मेरा प्यारा बाबा, ओम शांति। लवकुश जी लिखते हैं, ओम शांति। हर्ष राज, ओम शांति। संतोष वमन जी लिखते हैं, ओम शांति। आज की मुरली के धारणा के पॉइंट सच में हमें देवता बनाते हैं, क्योंकि हमारा ही परीक्षण करें और गलतियां सुधारें, और आज का बाबा का वरदान हमें बहुत ही सूक्ष्म हीरे तुल्य बनाता है। अजीत वर्मा जी, ओम शांति, गुड मॉर्निंग बाप दादा। राम कुमार केवट जी लिखते हैं, ओम शांति बाबा, ही मेरा खजाना है, ओम शांति। बी के लिखते हैं, ओम शांति बाबा। बसंत देवी, ओम शांति मीठे बाबा। बहन जी शुरू में मुरली का सार सुनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, शुक्रिया जी। प्रतीक राठौड़ लिखते हैं, ओम शांति बाप दादा, बहुत ही अच्छी आवाज़ है दीदी की, थैंक यू दीदी। सोराम जी लिखते हैं, ओम शांति बाबा फॉर ऑफरिंग अस सच ए ग्रेट मुरली। परवीन जी लिखते हैं, ओम शांति मेरे बाबा, गुड मॉर्निंग। बी के हरेराम लिखते हैं, बहन जी मुरली से पहले एक सॉन्ग भी ऐसे नहीं लिखा हुआ, ये शायद कहते हैं कि गीत बजाओ मुरली से पहले। अमिता जी ने लिखा है, दीदी आप मुरली बहुत सुंदर बोलते हो, जीवन में बहुत परिवर्तन आ रहा है, लेकिन अभी भी मन की बात पूरी ना होने पर गुस्सा आ जाता है। नहीं बहन जी, गुस्सा नहीं करना, धैर्य रखो, बाबा सारी आशाएं पूरी करेंगे। सुप्रीम सोल मुरली, उन्होंने लिखा है, प्लीज़ सेंड
108 दुख की लिस्ट इम्पॉसिबल। अरे ये तो काम आप कर सकते हो, आप हमारे पास भेजो ना एक लिस्ट बनाकर, हम सबको भेजेंगे फिर, ठीक है ना। कल आप एक पूरी लिस्ट भेजना। सुभाष श्री पात्रा जी लिखते हैं, ओम शांति, गुड मॉर्निंग शिव बाबा, मैं मुरली रोज़ सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छी बात है जी, सुनते रहो। कृष्णा जी लिखते हैं, ओम शांति मीठे प्यारे बाबा। आशा गुप्ता जी लिखते हैं, ओम शांति, ज्ञान रत्न धारण कर और योग का बल भर। बहन जी बहुत अच्छा, करते रहो। ज्योतिष पार्क्स लिखते हैं, गुड मॉर्निंग शिव बाबा, थैंक्स दीदी, योर वॉइस इज़ टू गुड, आई एम यूज टू लिसन योर मुरली डेली। हाँ बहन जी, जरूर सुनते रहो। यो यो चौधरी जी लिखते हैं, बाबा आपकी कृपा से मेरी सारी चिंताएं दूर हो गई हैं। तब्बू कुमारी लिखती हैं, मुझे मुरली सुनने से शांति मिलती है और मेरे सारे अनहैप्पीनेस दूर हो जाते हैं। ठीक है बहन जी, फिर तो आप रोज़ मुरली सुनते रहें और खुश रहें। सत्यवान सैनी जी लिखते हैं, ओम शांति बाबा, ओम शांति बाबा। रोहतक से सत्यवान सैनी, बाबा आपकी मुरली सुनकर बहुत आनंद आता है, परमानंद में आता है। शुभम तिवारी जी लिखते हैं, वेरी गुड मुरली। हिमानी त्यागी लिखते हैं, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। शिवा पाटिल जी लिखते हैं, नाइस, गुड मॉर्निंग, ओम शांति बाबा। नंग आशानी लिखते हैं, ओम शांति मेरे बाबा, जिस दिन से हम आपका मुरली सुना हूँ उस दिन से हम बहुत खुश हैं, मेरा मीठा शिव बाबा, लव यू बाबा। नीरज कुमार जी लिखते हैं, ओम शांति भाई, मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर दिया, थैंक्स, शुक्रिया। बस आप ऐसे कमेंट्स लिखते रहो, आपका जवाब रोज़ मिलेगा। ब्रह्मानंद जी लिखते हैं, गुड मॉर्निंग बाबा, ओम शांति बाबा। अंजू कुमारी, ओम शांति शिव बाबा। सोनू प्रजापति लिखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, आप सब अपनी कृपा बनाए रखना। बिल्कुल जी, बाबा तो बनाए रखते ही हैं। विद्यावती, ओम शांति। राजलक्ष्मी श्रेष्ठा लिखते हैं, आई एम हीरो पार्टधारी सोल फ्रॉम टुडे मुरली। दिव्या राजपूत जी लिखते हैं, ये दीपा बहन है शायद, ओम शांति शिव बाबा। पहले हमारे घर में बहुत लड़ाई होती थी, जब से मुरली सुनने लगे हैं तब से सुख शांति रहती है घर में, शुक्रिया बाबा। बस बहन जी ऐसे बाबा को याद करते रहो, मुरली सुनते रहो, शांति बनी रहेगी। मिथिलेश कुमार लिखते हैं, आज की मुरली में मुझे रियली जवाब मिल गया जो कल मेरे माइंड में था, थैंक यू बाबा, ओम शांति। ये तो सभी भाई बहने पक्का कर लो कि जो मुरली सुनते हैं ना, उनके हर प्रश्न का जवाब मुरली में ही आ जाता है। दावा लामा, ओम शांति मेरे बाबा, थैंक यू फॉर एवरी डे मॉर्निंग मुरली, आई लिसन डेली। अविनाश जी ने ओम शांति लिखा है, राजलक्ष्मी जी ने ओम शांति लिखा है, शुभम राजक गुड मॉर्निंग, गरिमा सिंह ने लिखा है, ये मुरली हम सब भाई बहनों के जीवन का आधार है। जी बहन जी, मेरा एक मैसेज और आया है, अनुराधा वर्मा जी लिखते हैं, इच्छा मात्र में विद्या, मतलब अब कोई इच्छा बाकी ना रहे तो हम इस ज्ञान को सुनकर धारण करके ये इच्छा क्यों करें कि हमें स्वर्ग मिलेगा या हम देवता बनेंगे या लक्ष्मी नारायण बनेंगे, प्लीज़ इसे क्लियर करें। बहन जी आपका प्रश्न तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कल मैंने कहा था इच्छा नहीं रखनी, क्योंकि बेसमझी है, नादानी है, अज्ञान है। और फिर दूसरी तरफ बाबा ये भी कहते हैं कि तुम्हारा लक्ष्य सामने है, ये बनना है, हमेशा याद रखो। बहन जी अच्छा बनने की इच्छा तो जरूर रखनी है, बाकी कलयुग की इच्छा ही नहीं रखनी, क्योंकि वो अच्छा बनने नहीं देंगे। नानू भाई लिखते हैं, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। जीवंती रोटेला लिखते हैं, ओम शांति, मुरली सुन के मेरे और मेरे सारे परिवार का मन शांत होता है। ठीक है जी, बस मुरली सुनते रहो। टेल जी लिखते हैं, ओम शांति मेरे प्यारे मीठे बाबा, मुरली पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं, दिन भर शक्ति मिलती रहती है। गरिमा सिंह लिखते हैं, बस ऐसे ही बाबा, परमपिता हमारी प्रॉब्लम्स को दूर करो, और मुरली जो आपकी है वो बहुत ही हमको लाइक है और आगे जीवन में बढ़ाएंगे का रास्ता मिलता है, शायद कुछ ऐसा लिखा है। ये बैनिक स्वपन लिखते हैं, ओम शांति। कालो भाई जी, कल आपको कहा था हिंदी में लिखा करो, ये क्या लिखा आपने, ओम शांति शिव बाबा, ये आगे कुछ समझ नहीं आ रहा। हम आपकी मुरली रोज़ सुनते हैं, शायद ऐसा लिखा होगा। भाई जी आप हिंदी में लिखा करो। गरिमा सिंह जी का फिर से मैसेज आया है। किरण सिंह जी ने लिखा है,
ओम शांति, आपकी मुरली बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू दीदी और भाई जी, आपकी मुरली सुनना हमारी दिनचर्या में शामिल है। थैंक्स, आपका भी शुक्रिया बहन जी। हिंदू व्यास जी लिखते हैं, ओम शांति जी, बाबा ने आज मुरली में बताया कि अशरीरी रहने का अभी समय है, लेकिन वर्तमान समय अशरीरी रहना सबसे कठिन काम है, शरीर का भान आ जाता है, इसके लिए कोई अच्छा तरीका बताएं जिससे हम हमेशा आत्मिक स्थिति में रह सकें। बहन जी, ये स्थिति में रहना बाबा भी कहते हैं मुश्किल है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस तो कर सकते हैं ना। इसके लिए आप ये अभ्यास कर सकते हैं कि ये सारी दुनिया, जैसे कई बार बाबा मुरली में बोलते हैं कि सारी दुनिया कब्रिस्तान होने वाली है, जो आप देख रहे हो इन आँखों से ये रहने वाला नहीं है, जो हमारा शरीर है ये भी एक दिन ख़त्म हो जाएगा। ऐसी ऐसी बातें अपने साथ करें तो बहुत सहज ही आप आत्मिक स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। कल्याण देव जी ने लिखा ओम शांति, सिस्टर मुकेश जी ने भी ओम शांति लिखा है, नवदीप जी ने ओम शांति और शुक्रिया लिखा है, हरिओ हरी मोहनानी ने थैंक्स लिखा है, और जागे गुप्ता जी ने ओम शांति, मुझे आज की मुरली का स्लोगन बहुत अच्छा लगा, अरविंद सिंह जी गुड मॉर्निंग लिखा है, गीतिका बहन ने ओम शांति शुक्रिया लिखा है, तनुश्री ने लिखा है ओम शांति भाई जी, मुझे सेवा करनी है, बी के कृष्णा बहन मुरली से स्वमान बोलिए जी। बहन जी जरूर सेवा करते रहो। हरिलाल भाई जी लिखते हैं ओम शांति भाई जी, मेरा जी मेरा सबल है, मेरा सवाल है, 8 घंटा बाबा को याद कैसे करें, 8 घंटा बाबा को याद कैसे करें? तो ये तो 8 घंटा बैठना पड़ेगा बाबा को याद करने के लिए। इसको हम सेट कर सकते हैं, बहुत आसान है, सुबह 4 बजे से 8 बजे कर सकते हैं, शाम को फिर 4 से 8 करो, दिन में कार्य करो, रात को सो लो, ये सेटिंग आप कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा कोई और आपकी दिनचर्या में सेटिंग होती है वो करें। ग्रीमा सिंह लिखते हैं ओम शांति गुड मॉर्निंग, बी के धर्मवीर मल्हान जी लिखते हैं ओम शांति दैवी आत्मन, ज्ञान रत्नों की परखने की विधि क्या है? इस प्रश्न का जवाब आपका हमारे भारत भूषण भाई जी देंगे, आप जरूर सुनना, कल या परसों जरूर आ जाएगा। अजय जैन लिखते हैं ओम शांति, मुरली की शैली आवाज़ और गति बहुत अच्छी है, बाबा को याद प्यार के साथ शुक्रिया बोलना बहुत अच्छा लगता है, मुरली का होमवर्क बहुत अच्छा है, प्रेरणास्पद है, शुक्रिया जी। खुशहाल लिखते हैं गुड मॉर्निंग बाबा ओम शांति, जय श्रीदास भी ओम शांति लिखते हैं, ब्रजेश त्यागी जी लिखते हैं ओम शांति गुड मॉर्निंग, और ये गज टेक लिखता है आई लव यू बाबा, फिर इनका हैप्पी मॉर्निंग डिवाइन परिवार, एक और ऐसे इनके कई मैसेज हैं। ललिता श्रुति जी लिखते हैं ओम शांति गुड मॉर्निंग बाबा, प्रीति सिंह ने ओम शांति लिखा है, मुकेश जी ने ओम शांति लिखा है, राधा अग्रवाल ने ओम शांति लिखा है, संजय चौहान ने लिखा है मेरे मीठे बाबा की जब मुरली सुन ना लूँ जब तक तो चैन नहीं पाता। बिल्कुल सही कह रहे हो, चैन आना भी नहीं चाहिए, मुरली तो रोज़ सुनना है ना। सीता रावत लिखते हैं गुड मॉर्निंग बाबा, रोहिणी मल्होत्रा लिखते हैं ओम शांति ऑल डिवाइन सोल, थैंक्स मीठे बाबा एंड मीठी प्यारी आत्माओं, क्लास में सुनने के बाद इस लिंक पर मुरली जरूर सुनती हूँ, दीदी बड़े अच्छे ढंग से मुरली पढ़ते हैं और मुरली से हमारा मार्गदर्शन होता है, 11-12 जुलाई की मुरली ने तो मुझे बहुत बड़ी परिस्थिति से बचाया, मैंने 13 को सेवार्थ ज्ञान मानसरोवर ज्ञान सरोवर जाना था पर युगल कुछ फिजिकली परेशान थे, हम निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि जाएं या नहीं, मुझे बहुत अच्छा निर्णय मिला, मैं नहीं गई, टिकट कैंसिल कराई और उसी दिन 10-11 बजे के बीच युगल को अटैक आया, अब वो ठीक है, बाबा ने मुझे मुरली द्वारा निर्णय लेने में मदद की, शुक्रिया बाबा का। आकांक्षा अग्रवाल ओम शांति गुड मॉर्निंग बाबा, हम हिम्मत और उमंग उत्साह के पंखों से सदा ऊँचे उड़ते रहें। नेहा शर्मा ने ओम शांति लिखी है, साहिल बिस्वाल जी ने ओम शांति भेजी है, और गंधारबा ने लिखा है प्रश्नोत्तर सेशन बहुत अच्छा है, भाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी शुक्रिया। दोबारा लिखा है अब तक का सबसे बढ़िया सेवा आप कर रहे हैं, सुबह होते ही आपकी सेवा शुरू हो जाती है, हम बहुत प्रभावित हैं, शुक्रिया जी आपका, लेकिन प्रभावित तो बाबा से ही होना है। अमिता जी लिखते हैं ओम शांति दीदी, आपकी आवाज़ बहुत मीठी लगती है, शायद ऐसा लिखा होगा। पवन कुमार लिखते हैं ओम शांति आई लव यू बाबा, रवि जी ने लिखा ओम शांति, मनीषा जालान ने गुड मॉर्निंग लिखा है, श्यामलाल घोष ने लिखा है इट इज़ ए वंडरफुल प्रोग्राम एंड आई ऑलवेज रिमेंबर माई मेरा बाबा, भारती शर्मा ने लिखा है ओम शांति थैंक यू बाबा फॉर योर ज्ञान रत्न
थैंक्स फॉर शेयरिंग दीदी। गॉड फादर शिवा, ये अकाउंट नाम है शायद। आत्मा को देखना अशरीर का अभ्यास मनुष्य को देवी देवता बना देगा। जी भाई जी। मोहन जी लिखते हैं, ओम शांति। क्वेश्चन आंसर सुनते सुनते जोश आया, लौकिक पढ़ाई की किसी कारण से नहीं कर पाए, फिर से रूहानी पढ़ाई का मौका मिला है। ये पढ़ाई तो पढ़नी ही है। मोहन भाई बिल्कुल सही कहा, वो पढ़ाई तो आप चूक गए लौकिक तो, लेकिन अभी ये फिर से बाबा ने मौका दिया, ये पढ़ाई आप बिल्कुल नहीं छोड़ना। मीरा राय ने लिखा, ओम शांति बाबा। प्रमोद कुमार जी ने लिखा है, इन्होंने ओम शांति लिखा है। फिर आशा भट्ट ने लिखा है, ओम शांति, मुझे बिना किसी फोन कमेंट्री के योग सीखना है, कृपया मदद करें। आशा बहन, इसमें मदद क्या करना है, आप बीच बीच में आदत डालो, कभी गीत सुन लिए कभी नहीं सुने, ऐसे योग करने का आदत डालेंगे तो धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। गौतम जी ने लिखा ओम शांति। अंजन दास ने भी ओम शांति लिखा है। रोशनी मैन का मैसेज आया है, दीदी कल भी मैंने कमेंट किया था बट मेरी कोई सुझाव नहीं आया। बहन जी आज आपकी शिकायत दूर कर दी, आपका मैसेज हमने पढ़ दिया है। श्रीनिवास शुक्ला जी लिखते हैं, ओम शांति बाबा। थैंक यू बीके चैनल पानीपत, आपका भी शुक्रिया। इंटेलिजेंट टेलर ओम शांति लिखते हैं। रोशनी जी ओम शांति दीदी। सौदामिनी दास लिखते हैं, सिविलाइज्ड आई जरूर बनेंगे, इतना पुरुषार्थ करेंगे जी, करते रहो। योगेंद्रा जी लिखते हैं, ओम शांति ओम शांति। अभिमन्यु जी ने लिखा है, ओम शांति प्यार के सागर को मेरा नमस्ते। सौदामिनी का फिर से मैसेज आया है। अनंत जी लिखते हैं, बाबा आपकी मुरली से रोज कुछ ना कुछ नए ज्ञान मोती मिलते ही रहते हैं, मुझे एक साल ज्ञान में होने वाला है, एक दिन भी मुरली मिस नहीं करता हूँ। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आप, और मुझे ऐसे भाई बहने बहुत पसंद है, और बाबा को भी पसंद है, जो मुरली कभी मिस नहीं करते। सुषमा कुमारी ओम शांति लिखा है। बॉडी सोर्स वालों ने लिखा है, गुड नाइट श्री बाबा। प्रकाश परमार ओम शांति बाबा, हर समय याद रहे कि मैं हीरो पाठधारी हूँ। बिल्कुल ये याद रखना है प्रकाश भाई। और विजय लक्ष्मी जी लिखते हैं, ओम शांति बाबा। मीना बहन लिखते हैं, बी के मीनाक्षी भट्टाचार्य जी लिखते हैं, ओम शांति मेरा बाबा मीठा बाबा। और पारितोष बारानी जी लिखते हैं, ओम शांति, आई एम लिसनिंग मुरली रेगुलरली फ्रॉम लास्ट फ्यू डे, आई फील माई सेल्फ सो लकी एंड हैप्पी नाउ, थैंक्स फॉर दिस। कोमल फुलवानी जी लिखते हैं, थैंक यू मेरे मीठे बाबा। और करण पटेल जी लिखते हैं, ओम शांति आई लव यू बाबा। शोभना जी लिखते हैं, ओम शांति, जैसे अव्यक्त मुरली पढ़ सकते हैं वैसे रोज की मुरली हम सुनने के साथ पढ़ना चाहते हैं। शोभना बहन, ये आपकी शिकायत आज दूर हो चुकी है, आप आज की मुरली पढ़ सकते हैं सुन सकते हैं। प्रमिला देवी लिखते हैं, ओम शांति बाबा, आई लिसन एवरी मॉर्निंग मुरली, वेरी नॉलेजफुल, थैंक यू बाबा एंड थैंक यू बीके फैमिली। ये बहन न्यूजीलैंड से हैं। बहन जी देखो कितनी दूर तक बाबा की मुरली पहुंच गई है, पानीपत से चलकर न्यूजीलैंड तक पहुंच गई है, तो शुक्रिया यूट्यूब का भी करो। स्वाति चौहान लिखते हैं, मैं मिलने चाहती हूँ बाबा से। जरूर बहन जी मिलो, लेकिन इसके लिए आपकी धारणा मजबूत होनी चाहिए, अमृत वेला योग होना चाहिए, रेगुलर मुरली होनी चाहिए, और फिर बहन जी की परमिशन लो और जरूर मिलो बाबा से। अदिति रॉय लिखते हैं, ओम शांति बाबा, याद करने के समय मन इधर उधर चला जाता है, कैसे ठीक करें। अदिति बहन, ये मन को 63 जन्म से भटकने की आदत पड़ गई है, एकदम से नहीं टिकेगा, इसको ज्ञान योग की लगाम से रोक सकते हैं, तो बस प्रैक्टिस करते रहें। देविका जी लिखते हैं, गुड नाइट बाबा। सुमित गुप्ता जी, ओम शांति दीदी, मुझे मुरली बहुत अच्छी लगती है। दीपक जी लिखते हैं, मैंने जब से मुरली सुनना चालू किया है तब से महसूस होता है कि हर वक्त बाबा मेरे साथ है। दीपक भाई आपके भी साथ है, मेरे भी साथ है, सबके साथ है बाबा, तो बस उसको याद करना जरूरी है। फिर से दीपक भाई ने लिखा है, फिर से सुमित गुप्ता ने ओम शांति लिखा है। ये सुमित गुप्ता नहीं, शायद ये दीक्षा बहन है। दीक्षा बहन ओम शांति। अमर दुबे, ओम शांति भाई जी, मुझे जानना है कि यदि बाबा का मिलना 84वां जन्म होता है तो क्या आत्मा दोबारा जन्म लेगी या परम धाम जाएगी। अमर भाई आपके प्रश्न का जवाब हम हमारे जो वरिष्ठ भरत हैं उनके द्वारा ही दिलाएंगे, आप जरूर कल की वीडियो देखना। शुभम गौरव जी लिखते हैं, ओम शांति बाबा,
और भारत सिंह जी लिखते हैं ओम शांति बाबा, तिलक जी ने लिखा है मेरा शिव बाबा, शशि मुंजाल ने लिखा ओम शांति।